नेक्स्ट टॉपिक इज डिजाइनिंग स्टेप्स ऑफ अ कॉम्बीनेशनल सर्किट। किसी भी कॉम्बीनेशनल सर्किट को किस तरीके आप डिजाइन करांगे ओदे सर्टन स्टेप्स ने, लाइक अगर तुम क्वेश्चन एग्जाम चाहता है एक्सप्लेन फुल एडर, एक्सप्लेन हाफ एडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है उन्होंने तो किस तरीके अटैम्प्ट करना है, वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ने उन्होंने तो फॉलो करना है। सब तो पहला की आएगा प्रॉब्लम डेफिनेशन, मीनस जे जे क्वेश्चन आया जाता फुल एडर हाफ एडर कहीं भी टॉपिक पर आता है वो पहले प्रॉपर डेफिनेशन लिखोगे कि वट इज़ फुल एडर वट इज़ हाफ एडर, क्लियर है। दैन सेकेंड इज द नंबर ऑफ अवेलेबल इनपुट वेरिएबल्स एंड रिक्वायर्ड आउटपुट वेरिएबल इज डिटरमाइंड। इट मीनस जी सारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की है लाइक हाफ एडर डिज़ाइन करना, फुल एडर डिज़ाइन करना, मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करना, डी मल्टीप्लेक्सर, एक ही साड़ी एक प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम डिफाइन किया, क्लियर है। उस तो बाद आप देखना है कि वो नंबर ऑफ इनपुट्स वेरिएबल्स किन्ने चाहिए ने, लाइक अगर आप हाफ एडर की गल करिए नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स किन्ने होंगे, टू इनपुट वेरिएबल्स होंगे। अगर फुल एडर की गल करिए 3 इनपुट वेरिएबल्स होंगे, अगर तुम 4-bit बाइनरी नंबर की गल करें 4 होंगे, क्लियर है। सो डिपेंड करता अपनी नीड के उत्ते आप कि प्रॉब्लम जी सारी प्रॉब्लम है वो आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स किन्ने डिकलेयर करने हैं वह सब तो पहला चैक करना। दैन एंड रिक्वायर्ड आउटपुट वेरिएबल्स इज डिटरमाइंड। इट मीनस कि दैन हम जिम्मे हाफ एडर की गल करिए, हाफ एडर पता है कि 2 इनपुट वेरिएबल्स आएंगे तो 2 आउटपुट वेरिएबल्स आएंगे। 2 आउटपुट वेरिएबल्स कह रहे हैं लाइक सम एंड कैरी, सेम एज इट इज फुल एडर च है। अगर आप 3 इनपुट वेरिएबल्स करने हैं आउटपुट वेरिएबल्स किन्ने हैं वो भी 2 आउटपुट वेरिएबल्स होंगे लाइक सम एंड कैरी। सो सैकेंड स्टैप ये देखना कि नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स किन्ने हैं तो आउटपुट वेरिएबल्स किन्ने हैं। थर्ड स्टैप इज द इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स आर असाइन लैटर सिंबल। लाइक आप अगर 2 इनपुट वेरिएबल्स है या 3 इनपुट वेरिएबल्स है उन्होंने लैटर असाइन करने, लाइक ए बी सी या एक्स वाई जैड जो आउटपुट है, आउटपुट लाइक सम कैरी, एस फॉर सम, सी फॉर कैरी। सो थर्ड स्टेप इज द इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स आर असाइंड लेटर सिंबल, क्लियर है। फोर्थ स्टेप इज मेक अ ट्रुथ टेबल टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। लाइक ट्रुथ टेबल डिजाइन करना है, एक साइड से की आएगा इनपुट आ जाएगी, एक साइड से आउटपुट आ जाएंगे, इनपुट लाइक ए तो बी, दैन और नंबर ऑफ लाइक कॉम्बीनेशन आ जाएंगे लाइक 0001 01 10 11, क्लियर है। दैन आउटपुट जाके जमें सम ते कैरी वह की रिजल्ट आ रहा, की कैरी आ रहा, वह प्रॉपर एक ट्रुथ टेबल जनरेट करना। फिफ्थ स्टेप इज गैट सिंपलीफाइड बुलियन फंक्शन फॉर ईच आउटपुट इज ऑबटेन। हुण आप बुलियन फंक्शन लाइक जरा सर को सम आया या कैरी आया, आप करेंगे सम ते कैरी विद द हेल्प ऑफ के मैप उन्होंने डिजाइन करांगे तो एक्सप्रेशन सिंपलीफाई करने की कोशिश करांगे, क्लियर है। जो आप एक्सप्रेशन सिंपलीफाई कर देता है लास्ट स्टेप की है ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना। सो आपू जो भी आप हूँ फुल एडर हाफ एडर मल्टीप्लेक्सर या कोई भी कॉम्बीनेशन सर्किट पढ़ांगे हर हर स्टेप ध्यान से रख के ही आपूँ करना है। लाइक जे आप हाफ एडर करते हैं पहले वो डेफिनेशन लिखांगे, दैन इनपुट आउटपुट दसांगे, दैन लेटर असाइन करना, दैन ट्रुथ टेबल डिजाइन करना है, दैन के मैप बनाना, दैन लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी। इसे स्टैप्स हर एक क्वेश्चन इसे स्टैप्स के अकॉर्डिंगली ही आप फॉलो करना है।